आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं नौशहरा प्रेस क्लब में, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। मेरा नाम इंजीनियर गौरव चौधरी है, मैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ चौधरी प्लानर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें हम आर्किटेक्चुरल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग डील करते हैं। साथ में हमारी जम्मू में ऑलरेडी एस्पायर फॉर लाइब्रेरी के नाम से है, जो लास्ट टाइम इंडियन आइकन अवार्डेड है बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। तो अभी उनके दौरान ही हमने सोचा कि हम क्या करेंगे कि एक ना अपने कॉरियर जो अपना कोरोना वायरस के वॉरियर्स हैं उसके कैसे हम खड़ा उतर सकें, ताकि हर बच्चा घर बैठा हुआ है और वो सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। वैसा कोई अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पीछे गवर्नमेंट के हिसाब से जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि उन्होंने 10,000 पोस्ट जो वो बच्चों के लिए निकाली हैं। अब इस दौरान ना तो कोचिंग सेंटर ओपन है, तो ना बच्चा स्कूल जा सकता है, ना कॉलेज, सब इंस्टीट्यूशन बंद है कोरोना वायरस के कारण। मैंने लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया था एस्पायर अड्डा जम्मू के नाम से अपना इंस्टीट्यूट, जिसमें हम ऑल कॉम्पिटेटिव कोचिंग देते हैं फ्री, ओनली टोटली फ्री। क्यों? बिकॉज ऑफ अभी इसके पास किसी के पास भी पैसा नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जैसे हमारे रजौरी हो गया, जितने भी जम्मू की डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑल थ्रू आउट इंडिया, लेकिन मेरे पास आउट स्टेट का बच्चा बहुत था, जम्मू कश्मीर का बच्चा बहुत था, लेकिन नौशहरा रजौरी पुंछ यहाँ का बच्चा बहुत कम मेरे पास इंटर हो रहा था। डैट से मैंने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमने पहले भी हमारा एस्पायर का ये रहा है कि फ्री कोचिंग और फ्री पढ़ाना ये हमारा रीजन है कि हम खुद उस चीज वो तो खुद चीज से निकले हुए हैं, तो हमने उस चीज को एनालाइज किया, उस चीज को हमने ये देखा है कि हमारे पास कभी 2 या 4 रुपए नहीं होते थे। तो दैट्स वाई आज के जमाने में कोरोना वायरस के कारण कोई भी किसी के पास ही सोर्स ऑफ इनकम जीरो है, चाहे वो बड़ा कर्मचारी हो, चाहे वो, हमने बेसिकली ये रखा है कि इसमें लास्ट टाइम जैसे हमारा स्पायर लाइब्रेरी का था कि लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी मैंने, और उसमें मैंने ये बताया था कि हम टोटली बीपीएल को फ्री पढ़ाएंगे। और ऑब्वियसली स्पायर लाइब्रेरी लास्ट टाइम भी लास्ट ईयर भी 200 अबाउट ज़्यादा बच्चों को स्पायर लाइब्रेरी फ्री पढ़ा चुकी है, उसके रिकॉर्ड एवरीथिंग बड़ा मेंटेन है। लेकिन एक चीज और है, उसी को लॉकडाउन के दौरान सब बंद हो गया, अब हमने सोचा स्पायर कोरोना वॉरियर्स कैसे बन के आए। अब कोरोना वॉरियर्स बनने के लिए हमने सोचा कि क्या किया जाए, मैंने अपनी टीम बिल्डअप की ऑनलाइन, मैंने उनको बोला यार हमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड करनी है, चाहे हम बाद में प्लेटफॉर्म उतारेंगे ऑफलाइन आएंगे, लेकिन हमें ऐसा करना है कि हर बच्चा पढ़ सके, ताकि अभी बंडल्स ऑफ जॉब्स यूथ के लिए आने वाली है, अनएम्प्लॉयड ठीक होने वाला है। जैसे एस्पायर अड्डा में कौन कौन सी क्लासेस की, किस टाइप की कोचिंग जो दी जा रही है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आप बताएं थोड़ा। एस्पायर अड्डा में हमारे पास सर CDS जैसे मेन, अभी जो हमारा मेन मोटिव है वो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, जिसकी बंडल ऑफ जॉब्स जो अभी परसों अपना DIPR ने ट्वीट किया था। पंचायत अकाउंट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि लोगों को इस पंचायत अकाउंट के जरिए वो कैसे जुड़ सकते हैं, और इसमें आपके जरिए वो क्या ट्रेनिंग ले सकते हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन पास, 50% मार्क्स, उससे कम वाला उसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास स्पायर अड्डा, उस पर टोटली फ्री हमारी ऐप अभी लॉन्च होने वाली है, विद इन डेज में लाइव क्लासेस हम देने वाले हैं, उसमें 1-to-1 क्वेश्चनिंग होगी, बच्चे के डाउट जो है वो सारे क्लियर किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम एस्पायर, लास्ट टाइम भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि एस्पायर हर घर में जाएगा, वो यही मैंने उसी चीज़ को आज भी वैसा ही एक एनकरेजमेंट लेके चल रहा हूँ, अपने आप का एक मिशन लेके चल रहा हूँ कि स्पायर अड्डा के रूप में हम भी हर किसी, ताकि इस टाइम जैसे आप लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि सर किसी के पास भी मनी नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बाकी जगह पेड करके भी मेरे पास फ्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें हर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो रखे गए हैं, जैसे अपर क्लास वाले जो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इक्वालिटी से, टोटली इक्वालिटी, बीपीएल टू लेके एवरीथिंग, टॉप रिचेस्ट पर्सन भी इसमें। कौन सी साइट्स हैं, और ये बताएं कि किस किस साइट पे जाके जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं वो आपसे हमारे बेसिकली जो मेन ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी या लेक्चर रहेंगे डेली अपलोड अपडेट हो रहे हैं, वो एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें उसको जल्दी, ताकि हमारे पास आपकी हर कोई नोटिफिकेशन आगे पहुंचे।
दूसरे नंबर फेसबुक पे एस्पायर अड्डा जम्मू के नाम से है, उसमें अप टू डेट आपका डेली डेली बच्चे का रिजल्ट आता है। उसके बाद वेबसाइट है www.aspireadda.com से, उसके बाद आप ट्विटर हैंडल पे भी हम देख सकते हैं ताकि हम वहाँ अपडेट देते रहते हैं, और इंस्टाग्राम भी एस्पायर अड्डा जम्मू के नाम से है। जम्मू कश्मीर के अलावा ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लेह एंड लद्दाख, हाँ एवरी थ्रू द इंडिया, थ्रू द इंडिया। ठीक है गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। और ये कुछ और कुछ इसके लेवल में बताना चाहेंगे? हाँ, इसी के लिए कि हमने मेन जो एस्पायर अड्डा खोलने का मोटिव ये है, अभी हम बच्चे यह बोलते हैं कि सर हमने इस इंस्टीट्यूट में इतना पेड किया, 8,000, 10,000, 12,000, तो आप फ्री क्यों दे रहे हो, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बच्चे हमारे से, हमारी फैकल्टी जो है वो सुपर ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे पास जो ऑफलाइन हाउस फैसिलिटी है ना, वो कोई तहसीलदार है, कोई SI है, उनसे हम बच्चों को ऑनलाइन क्लास जूम करके उसके थ्रू भी हम उनको मिलाते हैं, वन टू वन टॉक कराते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, क्रैक द एग्जाम, तो वो चीज़ है। दूसरे नंबर फ्री के लिए आपको मैंने बता दिया, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप पे 9149654 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं यूनिक बता दूँ, जो मैंने की है और आज तक मुझे लगता नहीं किसी ने की होगी, आपने कभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अपनी आईडी और फोटो दिया है? आज तक नहीं दिया ना, लेकिन एस्पायर अड्डा फोटोग्राफ और एक आपकी आईडी जरूर है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेली आते हैं, जो अपने कैरियर को लेके फोकस होगा, जो अपने गोल को लेके फोकस होगा, जो एस्पायर अड्डा के साथ जुड़ना चाहेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स हम इम्पोर्टेंट लेते ही लेते हैं। एस्पायर लाइब्रेरी में भी लेते थे, यहाँ भी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और इसी के साथ थैंक यू सो मच एस्पायर प्रेस क्लब निशारा का, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच।